हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले चैप्टर नंबर 10-15 जिसका नाम है चेंड। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। नाउ टॉकिंग अबाउट द कवर पेज, अब मैं हर वीडियो में कवर पेजेस की बात करूंगा बिकॉज कवर पेजेस आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। सो दिस कवर पेज इज ऑन सेन्योर पिंक। सेन्योर पिंक अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा बच्चों की तरह ड्रेसअप करता है एंड इसी वजह से एक ओरिएंटल स्टॉक नाम का बर्ड उसको उठाकर ले जा रहा है। वो समझ रहा है कि वो एक बच्चा है जबकि वो एक एडल्ट है। सो मुझे सेन्योर पिंक का कैरेक्टर काफी पसंद था एंड स्पेशली उसकी पावर्स भी काफी अच्छी थी। सो मुझे उसे दोबारा देख के काफी अच्छा लगा। नाउ कमिंग बैक टू मांगा चैप्टर नंबर 10-15 चेंड। नाउ चैप्टर का नाम चेंड इसलिए पड़ा बिकॉज यू वांट टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम द चेन्स ऑफ काइडो। नाउ सभी को पता होगा कि काइडो हमेशा अपनी बेटी को चेन्स में बांध के रखता था, बट इन दिस चैप्टर यमाटो ने ये प्रूव कर दिया दैट शी इज नो लॉन्गर इन काइडोस चेन्स। एंड काइडो भी उससे बोल रहा है कि यार मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे बाप बोलो। एंड शी इज लाइक नो यू आर फकिंग काइडो। एंड इसके अलावा एक और इमोशनल मोमेंट था जो मैंने आज मांगा पढ़ते हुए थोड़ा सा नोटिस किया एंड दैट इज किनेमोन्स डेथ। नाउ काफी सारे लोगों की प्रेडिक्शन है कि वानो में किसी ना किसी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ होगी एंड इस चैप्टर में किनेमोन के साथ जो हुआ है, लाइक काइडो ने उसके आर पार एक तलवार कर दी है, तो मैं उसके कंडीशन को लेकर काफी वरीड हूँ। एंड किनेमोन एक काफी अच्छा कैरेक्टर है जिसको मैं पंख हजार से देख रहा हूँ, सो आई डोंट वॉन्ट हिम डेड, बट स्टिल उसकी कंडीशन मुझे काफी खराब लग रही है एंड काइडो से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है यार। सो किनेमोन प्लीज बी सेफ। लेकिन फिर भी इस चैप्टर का सबसे बेस्ट सीन था द एंट्री ऑफ सांजी। नाउ सांजी ने जैसे ही इस चैप्टर में एंट्री लिया, ही नॉक्ड द हेल आउट ऑफ द क्वीन। लाइक उसने क्वीन को इतना मारा कि क्वीन खुद नॉकआउट होते होते पेरेस्पेरो को भी ले बिता। नाउ दैट वाज वन हेल ऑफ अ मूव, बट स्टिल द सीन वेयर आई लॉस्ट माय माइंड वो तब था जब लूफी ने मोमो से बोला कि ही इज स्टिल गोइंग टू डिफीट काइडो। लूफी पानी में डूब रहा था बट स्टिल ही कॉन्टेक्टेड मोमो विथ हिज वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स एंड उसने मोमो को ये बताया कि दैट ही इज स्टिल गोइंग टू डिफीट काइडो इवन दो उसकी हालत बहुत खराब है। एंड दैट वॉज लाइक वाओ लूफी यू आर द मैन। एंड लूफी के करंट सिचुएशन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है बिकॉज ट्रेफरगर लॉ की जो बाकी की क्रू थी वो पानी के अंदर ही थी एंड आई थिंक दैट दे विल सेव हिम फ्रॉम बीइंग ड्राउन्ड। सो गाइस, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड इन दिस चैप्टर। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हुई जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेयर वी विल डू अ सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। तो अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी तो जल्दी साइड में खोल लें ताकि आपको वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। सो सीन नंबर 1 द लाइफ फ्लोर। नाउ मांगा स्टार्ट होता है काफी ट्रेजिक मोमेंट से जहां पे लूफी पानी के अंदर डूबते जा रहा है एंड फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जहां पे सीन इस समय लाइफ फ्लोर आ गया है एंड वहां पर क्वीन इस समय चॉपर से फाइट कर रहा है एंड ही इज गिविंग हिम अ हार्ड टाइम। लाइक उसने चॉपर का हाथ काट लिया है एंड वो चॉपर से बोल रहा है कि तुम हार तो नहीं ना गए। एंड चॉपर लूफी का न्यूज़ सुन के काफी ज्यादा परेशान हो चुका है एंड वो कह रहा है कि अब हम क्या करें। एंड सिर्फ चॉपर ही नहीं, बाकी सारे समुराई जो लूफी को ज्वाइन किए थे वो सभी इस समय परेशान है एंड दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन। बाकी के स्माइल डेविल फ्रूट यूजर्स जो कि काइडो की तरफ थे बट आफ्टर ईटिंग द कीबी डांगो वो इस समय लूफी के साइड से फाइट कर रहे थे, वो ये बोल रहे हैं कि वो काफी अच्छा फील कर रहे थे जब उन्हें स्पीड ने वो डांगो खिलाया था। एंड ये काफी इनसेन बात है कि टॉप ऑफ द वॉइस जनरेशन एक साथ कंबाइन होकर काइडो को टेक डाउन करने आए थे बट काइडो की पावर्स बहुत जाते हैं एंड दे स्टैंड नो चांस अगेंस्ट हिम। नाउ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इज़ो कावामात्सु एंड सांजी को जो कि ज़ोरो को लेके भाग रहा है एंड द फन फैक्ट इज कि सांजी पट्टियों में बंधे हुए ज़ोरो को इधर उधर चला के बाकी सारे एनिमीज को नॉकआउट कर रहा है। लाइक सांजी उसकी 30 हड्डियां टूट चुकी हैं, प्लीज डोंट डू दैट। इज़ो यहां पर बोलता है कि पिछले चैप्टर में जो अनाउंसमेंट हुई थी वो सिर्फ इसीलिए की गई थी ताकि सारे के सारे समुराइज अपना मोटिवेशन खो दें एंड कावामात्सु इज टोटली इन एग्रीमेंट विद इट बिकॉज वो लोग किसी भी तरह से इस बात को वेरीफाई नहीं कर सकते। एंड सांजी बोलता है कि सभी की सभी चूतियां हैं, उन्होंने अपने फाइट करने का मोटिवेशन खो दिया है। नाउ नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं वापस लाइफ फ्लोर पे जहां पे क्वीन खड़ा है एंड वो चॉपर से बोल रहा है कि तुम सभी कितने डिसअपॉइंटिंग हो, अभी तक तो तुम सभी में बहुत ज्यादा जान थी, अब अचानक से सब कुछ खत्म। एंड वहीं पर पेरेस्पेरो भी है एंड वो बोल रहा है कि जब किंग हार जाता है तो बाकी के बाकी चेस सोल्जर्स भी वहीं पे उसी के साथ खत्म हो जाते हैं एंड ही इज गोइंग टू लॉन्च हिज एरोज अगेन। नाउ सभी के सभी समुराइज वहां से भागने की कोशिश करते हैं बट कवर लेने का कोई भी जगह नहीं है एंड क्वीन भी चॉपर की तरफ लेजर फायर करने वाला है एंड वो उससे बोल रहा है कि तुम अब बचोगे नहीं, तुम तो बिल्कुल ग्रिल्ड मीट की तरह दिख रहे हो। नाउ इससे पहले ये क्वीन और पेरेस्पेरो कुछ कर पाते, एंटर्स विन स्मोक सांजी डायबल जंप रोसी ट्रे और उसने एक किक से क्वीन की फाड़ के रख दी। लाइक आप ये पैनल देखो, सांजी के एक किक से क्वीन के मुंह के आसपास पूरी आग लग गई है एंड सिर्फ एक किक की ही बात होती तो समझ भी आता। लाइक आपको पता है सांजी के किक्स कितने स्ट्रांग होते हैं, तो वो लगातार क्वीन को किक करते रहा जिसकी वजह से क्वीन का हेड पूरे हवा में गोल गोल घूमने लगा और जिससे पेरेस्पेरो के सारे जितने भी एरोज उसने लॉन्च किए थे वो सभी डिफ्लेक्ट होने लगे और उसने ये सब किया व्हाइल होल्डिंग ज़ोरो। नाउ दैट इज वन हेल ऑफ ए मूव देयर। एंड आप ये पैनल देखो यार, दिस पैनल इज अ प्रूफ ऑफ हाउ ऑसम राइटर ओडा सेंसेई इज एंड द बेस्ट थिंग इज कि सांजी के फाइनल किक से पेरेस्पेरो भी नॉकआउट हो गया। लाइक उसको क्वीन का हेड जाके लगा एंड एक डायनासोर का हेड लगना बहुत बड़ी बात होती है, सो पेरेस्पेरो जस्ट गॉट नॉक्ड आउट। एंड फिर इसके बाद सांजी चॉपर से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपने आप को लिमिट्स पे पुश कर दिया है और चॉपर सांजी से रोते हुए बोलता है कि लूफी को कुछ हो गया, हमने एक
कई बार होते हुए देखा। याद है वो सारे चमत्कार जो लूफी ने किए हैं, लाइक यू कांट अंडरएस्टिमेट लूफी। सांजी की बातें सुनने के बाद चॉपर इमोशनल हो जाता है और सांजी फिर बैंडेज में बंधे हुए जोरो को एक लात मार के चॉपर की तरफ करता है और बोलता है कि तुम इसे रिकवर करने की कोशिश करो, अगर ये इंसान रिकवर हो गया तो ये 10 लोग के बराबर तो होगा ही। और पीछे सभी समुराइ चिल्लाते कि 10 नहीं 2000 लोग के बराबर होगा। एंड इसके बाद सांजी बोलता है लीव द डायनो टू मी, यानी कि अब सांजी फाइनली क्वीन से वन ऑन वन फाइट करेगा। एंड क्वीन भी उसको काफी सेवेज रिप्लाई देता है कि विंस मुक जज का लौंडा आज मेरे से लड़ने आया है। बाकी आसपास खड़े सारे लोग इस बात से बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि सांजी इतना ज्यादा मोटिवेटेड कैसे है, उसका कैप्टन अभी जस्ट मरा है। एंड इसी पे मार्को बोलता है कि दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट देम। सो गाइस लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट सांजी। तो सांजी की एंट्री मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, स्पेशली द रोसिटेर मूव। नाउ रोसिटेर के बारे में मैंने कहीं इंस्टाग्राम के एक मीम पे देखा था, एक वन पीस लूका नाम का पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, तो उसने मतलब ये मेंशन किया था कि रोसिटेर एक ऐसा टेक्निक है आई थिंक मीट फ्राई करने का जिसमें आप मीट को थूक पे फ्राई करते हो, यू फ्राई द मीट ऑन स्पिट। सो काफी एक यूनिक मूव था ये सांजी का। एंड अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ चैप्टर्स में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सांजी इवेंचुअली क्वीन से फाइट करेगा, बिकॉज़ ये लॉजिकल है कि लूफी का थर्ड काइडो के थर्ड से फाइट करे। सो फाइनली अब यही होने वाला है। एंड अगर सांजी ने किसी भी तरह से क्वीन को डिफीट कर दिया तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज डिफीटिंग ए थर्ड डिवीजन कमांडर ऑफ अ योंको इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अ रूकी पायरेट। बट यार मुझे लगता है वो कर देगा, विंस मूक है वो। एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट जोरो। तो जोरो इस समय बहुत ही सेफ हैंड्स में पहुंच चुका है, यानी कि वो चॉपर के पास है। नाउ चॉपर के बारे में हम सभी जानते हैं, एंड आई होप कि चॉपर जल्दी से जोरो को फिक्स कर दे ताकि जोरो वापस से एक्शन में आ जाए। आफ्टर ऑल हम सभी लोग ओनिगाशिमा से वानो पहुंचने वाले हैं एंड वानो पे मेन फाइट होने वाली है। सो आई रियली वांट कि जोरो वहां पर प्रेजेंट हो विद हिज फुल पोटेंशियल एंड आई वांट टू सी द रीग्रुप ऑफ फर्स्ट जनरेशन। नाउ नेक्स्ट सीन हम आते हैं कैसल के इंटीरियर फ्लोर पे जहां पे कांजुरो और कीको गिरे हुए हैं एंड काइडो भी वहीं पे है। एंड काइडो का ये वाला पैनल मुझे काफी बैडएस लग रहा है, जस्ट देखो काइडो वहां पे अपना कानवो लेके खड़ा हुआ है। नाउ किनेमोन की हालत मुझे ऑलरेडी बहुत खराब लग रही है, बट किनेमोन किसी तरह से उठ के अपने टूटे हुए तलवार से काइडो को स्टैब कर देता है। तो इसके बाद हमें किनेमोन का छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जहां पे मोमो किनेमोन को एक कैजुअली बात करने के लिए ट्रेन कर रहा है। नाउ बिकॉज़ किनेमोन ओडेन को सर्व करता था, सो वो मोमोनोसुके को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सकता, बट मोमोनोसुके उससे बोलता है कि प्लीज तू मुझे डायरेक्टली एड्रेस करो ताकि ज्यादातर लोग मुझे नोटिस ना कर पाए। एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग क्योंकि मोमोनोसुके ने ओडेन के अलावा सिर्फ किनेमोन को ही अपना फादर बोला था, भले ही फेक हो बट इट्स अ बिग थिंग। एंड दैट इज द सोल रीजन कि अगर किनेमोन को कुछ भी होता है एनिमे में तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट बन जाएगा वानो आर्क का। नाउ काइडो किनेमोन से बोलता है कि आखिर इसका मतलब क्या बना, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर क्यों रहे हो और तुम मेरे से भाग के कर भी क्या लोगे। एंड इसके बाद एक बहुत ही सैड मोमेंट होता है जहां पे काइडो एक तलवार से किनेमोन को स्टैब कर देता है। एंड कोई छोटा मोटा स्टैब नहीं, उसने लिटरली तलवार किनेमोन के आर पार कर दी है। आप सभी को पता होगा कि इस समय किनेमोन एंड बाकी के अकाजा 9 की हालत बहुत खराब है, वो ऑलरेडी काइडो से फाइट करके आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कांजुरो एंड बाकी सारे विलेन से फाइट की है। सो आई डोंट थिंक किनेमोन इस समय इस हालत में कि वो एक और स्टैब झेल पाएगा। एंड काइडो उससे ये बोलता भी है कि ये बहुत इजी नहीं है बट समटाइम्स तुमको अपना डिफीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड प्लीज डाई अ ऑनरेबल समुराई डेथ। नाउ दिस सीन वाज वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किनेमोन को कुछ हो क्योंकि वो काफी टाइम से है अपने साथ, लिटरली फ्रॉम द पंक हजार्ड। एंड जिस तरह से वो इंट्रोड्यूस हुआ था पंक हजार्ड के टाइम पे, आपको याद हो आधा कटा वटा था वो, तो उसकी ऐसी एंट्री की वजह से काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एनिमे फैंस के लिए। एंड आई थिंक पूरे के पूरे अकाजा 9 एंड इवन वानो में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो होगा किनेमोन। सो आई रियली डोंट वांट हिम टू डाई। नाउ शिनोबु मोमोनोसुके को लेकर भाग रही है और मोमोनोसुके ने एक मेरी फ्रॉग उठा लिया है। नाउ इस फ्रॉग के थ्रू वो पूरे ओनिगाशिमा पे अनाउंसमेंट करता है एंड द अनाउंसमेंट गोज लाइक दिस। मैं हूं कोजुकी मोमोनोसुके, लूफी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तुम सभी तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए। लूफी अभी जिंदा है और उसने मुझसे बोला कि वो पक्का काइडो को डिफीट कर देगा, सो प्लीज फाइट कंटिन्यू रखो अगर तुम्हें दर्द होता है तब भी, और अगर तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है तब भी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम फाइट करते रहो अंटिल द लास्ट ब्रेथ। इसके बाद हमें मोमोनोसुके का भी एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखता है जहां पे लूफी पानी में डूबते हुए मोमोनोसुके को थ्रू द वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स कांटेक्ट करता है और वो बोलता है कि मोमोनोसुके लेट एवरीबॉडी नो कि अगर मैं डूब भी गया आई विल स्टिल डिफीट काइडो। नाउ पिछले चैप्टर में जो मोमो की हालत खराब हो रही थी ड्यू टू वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स जो उसके दिमाग में चल रहा था, जहां पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद कोई एक एनिमल हो वानो में जो मोमो को कॉन्टेक्ट कर पा रहा है थ्रू वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स, बट ऐसा कुछ नहीं था, इट वॉज लूफी। एंड आई थिंक लूफी कितने ज्यादा पेन में होने की वजह से मोमोनोसुके को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जब लूफी उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। बट आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि लूफी डूबते हुए भी अपने इस टाइप की हाकी को यूज कर पा रहा है एंड कंसीडरिंग कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, ही इज लिटरली नॉक्ड आउट, वो हिल भी नहीं सकता इस समय। सो दिस प्रूव्स कि उसकी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है कंपेयर टू द ज़ू आर्क। नाउ इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद सभी के सभी ओनिगाशिमा पे जितने भी वॉरियर्स हैं लूफी की साइड से उन सभी की स्पिरिट वापस से जग जाती है, दे आर ऑल रेडी टू फाइट अगेन बिकॉज़ लूफी इज अलाइव एंड ही इज गोइंग टू विन। लेकिन शिनोबु भागते भागते एक डेड एंड पे पहुंच जाती है और काइडो भी वहां पर आ जाता है और वो मोमो से बोलता है कि सन ऑफ ओडेन अब तो सेटिस्फाई हो गए होगे ना तुम इतना बोल के। एंड काइडो अगेन अपना कानोबो उठा के रायमन हक के पेलने जाता है, बट समथिंग इंटरप्ट्स हिम और काइडो वो
देख के रुक जाता है। नाउ अब काइडो को किस चीज ने इंटरप्ट किया ये जब आपको अभी पता चलेगा थोड़ा सा आगे तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे, बिकॉज मैं भी हो गया था। लेकिन फिर नेक्स्ट पैनल शिफ्ट हो जाता है ओनिगाशिमा के नीचे पानी में। अगर आपको याद हो तो ट्रफलगर लॉ की पूरी क्रू ओनिगाशिमा पे नहीं आई थी, उसमें से कुछ उसके सबमरीन में रुक गए थे और वो अभी तक पानी के अंदर ही थे। तो लकी फॉर लूफी उन सभी ने उसे डूबते हुए देख लिया एंड वो सब बोल रहे कि हम उसकी आवाज अभी भी सुन पा रहे हैं इवन जबकि वो पानी में डूब रहा है। एंड फिर वो सभी बोलते किस चीज के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हमें लूफी को बचाना होगा। इस समय सच में मैं बोलूंगा लूफी की किस्मत बहुत अच्छी है एंड मैंने भी ये चीज नोटिस नहीं की थी, मैं भूल गया था कि ट्रफलगर लॉ की क्रू इस समय पानी के अंदर ही थी, तो ऑफ कोर्स वो लोग लूफी को बचा लेंगे। ये काफी अच्छी बात है क्योंकि ट्रफलगर लॉ के क्रू में काफी सारे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने उसे मरीन फोर्ड आर्क में भी पैचअप किया था। सो ये मानना पड़ेगा कि लूफी काफी लकी है। नेक्स्ट मैं हम देखते हैं कि यही सेम अनाउंसमेंट टामा और नामी भी सुनते हैं और ये सुन के वो स्टेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तभी नामी के क्लिमाटेक से आवाज आती है कि काफी अच्छा लगा ये सुन के कि मुगीवारा इस समय जिंदा है। नो ये मानना बहुत मुश्किल है बट नामी का क्लिमाटेक बिल्कुल ही एक होमी की तरह बिहेव कर रहा है एंड उसका मांगा लुक बिल्कुल ही ज्यूस की तरह से है। सो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब बिग मॉम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उसका सोल यहाँ पे कैसे आया। ऑब्वियसली ये काम सिर्फ बिग मॉम ही कर सकती है, सो हाउ इज दिस पॉसिबल कि नामी का क्लिमाटेक बोल पा रहा है एंड ही टर्न इनटू अ होमी। इस चीज के बारे में मेरी कोई भी फैन थ्योरी नहीं लग पा रही है, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना, आई वुड रियली लव टू हियर योर रिस्पांस। नाउ इसके बाद हम देखते हैं बिग मॉम को जो कि किड से फाइट कर रही है एंड बिग मॉम किड से बोलती है कि ये सभी कितने पैथेटिक हैं, ये वॉर तभी खत्म हो गया था जब वो पानी में गिर गया था। एंड तभी एंट्री होती है ट्रफलगर लॉ की, वो लिटरली बिग मॉम और किड के बीच में आ गया और वो बोल रहा है कि मैं लूफी के साथ काफी टाइम से काम कर रहा हूँ बट ऑनेस्टली जब भी लूफी की बात होती है मैंने एक चीज सीख लिया है, नेवर से नेवर, दैट वाज अ जस्टिन बीबर थिंग। मुझे लगता है कोई तरीका भी नहीं है कि आप बिग मॉम से दो तीन सेकंड भी फाइट पे स्टैंड अप कर पाओ, पता नहीं कैसे किड इतनी देर तक रुका हुआ है। बट किड का जो लुक आ रहा था जब वो बिग मॉम से फाइट कर रहा, लाइक उसने अपने दोनों हाथों को खूब बड़ा बड़ा कर लिया कंबाइनिंग ऑल द मेटल्स, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू सी इन वन पीस। एंड मुझे सच में ये चीज एनिमे में देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा बिकॉज जिस तरह से वो अपने हैंड्स को मूव करता है ना, अगर आपने थोड़ा नोटिस किया हो जब वो शबोंडी में था, बहुत ही अच्छा लगता है उसके वो मूव्स। सो आई एम रियली होपिंग कि जल्दी जल्दी हम कैच अप कर जाए एनिमे में भी। नाउ कमिंग बैक टू काइडो, नाउ काइडो नोटिस करता है कि पास के दीवार में छेद हो गया और वहां से कोई चिल्ला रहा काइडो। नाउ ये और कोई नहीं बल्कि यमाटो है एंड काइडो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स वो उसका बाप है। तो काइडो उससे बोलता है कि डोंट यू मीन फादर, तुम्हें मुझे पापा कह के बुलाना चाहिए। एंड यमाटो इज लाइक मैं अब तुम्हारे चेंज में नहीं बदी हूं, आई एम हियर टू फ्री माई सेल्फ। एंड इसी के साथ एंड ऑफ चैप्टर नंबर 10-15। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मांगा। नाउ इस चैप्टर में बहुत सारे सीन्स को एक साथ ही रखा गया है एंड जिसकी वजह से मुझे इस मांगा के साथ कीप अप होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं हुई थी बट मुझे इस मांगा को काफी ज्यादा बार पढ़ना पड़ा टू मेक दिस रिव्यू। एंड ऑल्सो मेरी तबियत भी थोड़ी बहुत मतलब डाउन लग रही थी मुझे बिकॉज ऑफ द कोवैक्सीन, सो इसीलिए रिव्यू भी लेट हो गई थी। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट यमाटो बिकॉज एंडिंग काफी ज्यादा सस्पेंस में छोड़ दिया गया। नाउ यमाटो अब काइडो से फाइट करने वाली है एंड अगर वो ऑल आउट नहीं गई तो वो काइडो के अगेंस्ट टिक नहीं पाएगी। नाउ मैं लिटरली उसका ट्रांसफॉर्मेशन अगले चैप्टर में देखना चाहता हूँ बिकॉज काफी सारे सोर्सेस से मुझे मतलब प्रेडिक्शंस पता चल रही हैं कि दैट शी हैज मिथिकल व्हाइट टाइगर ज़ोन टाइप डेविल फ्रूट जो कि काफी पावरफुल है इन माइथोलॉजी, लाइक उसके पास शेप शिफ्टिंग एंड रियलिटी मैनिपुलेशन की भी पावर्स हैं, बट ऑफ कोर्स ये चीज वन पीस में नहीं होगी। सो आई रियली होप कि जल्दी से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले क्योंकि पास्ट के चैप्टर में वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी, हो नहीं पाई क्योंकि किसी ने उसको इंटरप्ट कर दिया। सो आई रियली वांट टू सी कि कैसे फादर और डॉटर एक दूसरे से फाइट करेंगे। एंड ये भी चीज मैं देखना चाहता हूँ कि यमाटो बीइंग डॉटर ऑफ काइडो क्या वो उतने पोटेंशियल पे है कि वो काइडो के अगेंस्ट कीप अप कर पाएगी। ये मानना पड़ेगा कि एंडिंग काफी सस्पेंस में छोड़ दिया गया था। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर में कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला, जब भी ओडा सेंसेई लिखते हैं नो ब्रेक नेक्स्ट वीक आई गेट ऑर्गेजम्स डाउन माय बॉडी। सो या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब जब मुझे पता चल गया कि कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला एंड आई थिंक दो दिन बाद आने वाला है, तो गाइस इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 10-15 चेंड। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 10-15 चेंड। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है आई नो बिकॉज आई वाज डीलिंग विद सम प्रॉब्लम्स एंड मैंने कोवैक्सीन भी लगवाई थी, सो आई डिडंट वांट टू पुश माय सेल्फ, इसी वजह से वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया, बट नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। सो नेक्स्ट वीडियोस आई होप डिले ना हो। सो गाइस अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है यमाटो का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होने वाला है। शेयर करें इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं। मुझसे बात करने के लिए इंटरेक्ट करने के लिए मुझे डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और भी सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।